राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे एक महान भगवत भक्त संत ईश्वरदास जी की पवित्र चरितावली। मैं आपको सुना रहा था कि एक राजा के दरबार में धन संपन्नता से प्रभावित होकर के राजा के द्वारा सम्मानित होने को बहुत बड़ा महत्व समझ करके स्वाभाविक जो प्रतिभा थी कविता की, काव्य प्रतिभा, उसमें दक्ष ईश्वरदास जी राजा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी सुंदर कविताएं राजा के गुणगान की सुनाई। क्योंकि अब वो भक्त होते हुए रजोगुण को महाराज अपने अंदर बसा लिए थे, छोड़ नहीं पा रहे थे उसको, और उनके उस कवित्व का दर्शन करके सब वाह वाह करने लगे थे। किंतु राज पंडित जो थे पीताम्बर भट्ट जी, वो वाह नहीं कह करके मुंह बिचकाए और सिर हिलाकर जैसे अस्वीकार कर दिया था कि नहीं, इसमें कोई वाह वाही की जरूरत नहीं है, ईश्वरदास ने कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया है जो आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा उन्होंने संकेत किया था। इसलिए ईश्वरदास जी उनसे एकांत में जाकर मिले, बोले पंडित जी मेरी कविता सुनकर तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए, वाह वाह किए, और आप तो उतना सिर झुका के नाराज से हो रहे थे, क्या बात थी। तब ईश्वरदास जी को पीताम्बर पंडित जी समझा रहे थे कि तुम राजा का गुणगान करके जो प्रसन्न हो रहे हो और वाह वाही में खुश हो रहे हो तो तुम बहुत अच्छा समझ रहे हो, मैंने प्रशंसा नहीं किया इसको बुरा मान रहे हो। अरे जिन भगवान ने तुमको ये प्रतिभा दी है उन्हीं भगवान का गुणगान करने में उस प्रतिभा का उपयोग करो। भक्तों, यही गलती मनुष्य से ज्यादातर हो जाती है कि भगवान ने हमको गुण दिया, भगवान ने हमको लेखन शक्ति, वक्तृत्व शक्ति, स्वर, अभिव्यंजना, ये सब कुछ करने की शक्ति भगवान ने दिया, और हम भगवान का गुणगान नहीं करके संसार का गुणगान करने लग जाते हैं। तो राज पंडित पीताम्बर भट्ट जी ने कहा कि ये राजा का धन वैभव कितना तुम्हारे काम आएगा और ये वाहवाही तुम्हारे कौन से काम में आएगी। अरे विचार करो, भगवान का गुणगान करने में, भगवान का जो भगवान के भक्त होते हैं उनका गुणगान करने में, भक्त और भगवंत का गुणगान करने में जो तुमको परम दिव्य लाभ प्राप्त होगा, क्या इन राजाओं को गुणगान करने से मिल जाएगा तुमको। और महाराज पीताम्बर भट्ट जी उनके कल्याण के लिए और आगे बोलते गए। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि यदि तुम ऐसा करो तो तुम्हें प्रभु से भी कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रहेगी। भगवान का गुणगान करो, उनके भक्तों का, संतों का गुणगान करो, और ऐसा करना अपने आप में इतना श्रेयस्कर और सुखकर होगा कि स्वयं प्रभु भी तुम्हें उससे उत्तम और कोई वस्तु न दे सकेंगे। ये इतना दैवी साधन हो जाएगा भक्त भगवंत गुणगान करना। ईश्वरदास, तुम नहीं जानते कितना सुख है प्रभु का गुणगान करने में। आनंद मूर्ति प्रभु तक को सुख का लाभ रहता है। तभी तो उन्होंने नारद जी से कहा है, नारद जी से क्या कहा था, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहां भी मेरा और मेरे भक्तों का गुणगान करते हैं मैं वहीं भागा चला जाता हूँ और वहां जमकर बैठ जाता हूँ। तुम यदि अपनी रचनाओं में प्रभु का गुणगान करो
तो तुम्हारा अपना तो चिर कल्याण होगा ही, संसार के दूसरे जीवों का भी कल्याण होगा और तुम्हारी कीर्ति लोक परलोक दोनों में सदा के लिए छा जाएगी। ऐसे शुद्ध भाव से, शुद्ध परमार्थ के विचार से पीतांबर भट्ट जी ने ईश्वरदास को समझाया। एक हल्की सी प्रताड़ना थी लेकिन सत्य का ज्ञान कराना था साथ साथ। और पीतांबर भट्ट जी की इस हल्की सी प्रताड़ना ने ईश्वरदास को झकझोर दिया, उनके वचन उनके मर्मस्थल में पहुंच गए जैसे तीर पहुंचे। और महाराज उनको रोना आ गया, वे पीतांबर भट्ट जी के चरणों में लौट गए और कहने लगे, पंडित जी मैं बड़ा अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे कलुषित मन में आपके प्रति ये भाव आया था कि आपने ईर्ष्या बस मेरी रचना का तिरस्कार किया है। मैं क्या जानता था कि आपने वात्सल्यवश ऐसा किया है, आपने तो कृपा करके मोह निद्रा से मुझे जगा दिया। मैं पथभ्रांत हो गया था महाराज, मैं पथभ्रांत हो गया था, ऐश्वर्य का भोग करते करते मेरी मति पर पर्दा पड़ गया था, आपने वो पर्दा हटा दिया। अब मुझे वो पथ फिर से दिखने लगा है जिस पर चल करके मुझे जीवन यात्रा सफल कर देने का निश्चय कर ही लेना चाहिए। पहले भी निश्चय किया था महाराज, लेकिन राजाओं की संगति में रजोगुण चढ़ जाने से मैं थोड़ा सा भूल गया था। मैंने ये भी जान लिया कि मेरे सच्चे हितैषी और पथ प्रदर्शक आप हैं। आपने जब इतनी कृपा की है तो शिष्य रूप में मुझे अंगीकार करके यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचाने की कृपा कर दीजिए। महाराज ऐसे भाव से प्रार्थना किया उन्होंने पीतांबर भट्ट जी से, तो पीतांबर भट्ट जी ने प्रसन्न होकर कहा, ईश्वरदास चिंता मत करो, मैंने भागवत प्रेरणा से तुमको शिष्य रूप में पहले स्वीकार कर रखा है, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने तुम्हें सचेत करने का मन में सोचा और सचेत किया, इसलिए कल प्रातः स्नान आदि करके तुम मेरे पास आ जाना। उन्होंने कहा कि ईश्वरदास मैं तुम्हारी विधिवत मंत्र दीक्षा करूंगा, और ईश्वरदास ने पीतांबर जी से दीक्षा ली और उनके अनुगत्य में भजन करने लगे। उन्हीं से उन्होंने संस्कृत सीखी और शास्त्र अध्ययन किया। अपनी कुशाग्र बुद्धि और गुरु के आशीर्वाद के कारण कुछ ही दिनों में सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए ईश्वरदास जी। और उन्होंने पीतांबर जी से श्रीमद् भागवत का विशेष रूप से अध्ययन किया और उसके रसारणों में भली भांति अवगाहन किया। अपने ग्रंथ हरिरस के मंगलाचरण में उन्होंने गुरु की वंदना की थी। महाराज ईश्वरदास जी ने अपने ग्रंथ हरिरस के मंगलाचरण में गुरु वंदना करते हुए कहा, लागा हूं पहला ललय पीतांबर गुरु पाए, और भेद महारस भागवत पायो जेण पसाए। तो भागवत का महान रस गुरु कृपा पीतांबर भट्ट जी से मुझे उनकी कृपा से प्राप्त हुआ, ये उन्होंने स्वीकार किया। और वे भागवत के महारस में इतना डूब गए कि राज वैभव का अब उन्हें कोई आकर्षण नहीं रहा। अब वो गृहस्थी में रहते हुए भी विरक्त सा जीवन व्यतीत करने लगे। यद्यपि वो गृहस्थ हो गए थे लेकिन पूर्ण रूप से विरक्त का जीवन व्यतीत करने लगे। अब उनके खान पान और उपासना आदि में इतना अंतर आ गया कि एक चारण के रूप में उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया। चारण तो उन दिनों भक्तों शाक्त होते थे ज्यादातर, शाक्त मतलब देवी के उपासक, और उनमें से अधिकतर ऐसे होते थे जैसे मांस मदिरा का सेवन करने थे वाले।
पर ईश्वर दास जी ने महाराज इसका विरोध किया, मांस मदिरा का विरोध किया, और गुरु कृपा से उनके मन में इतनी सात्विकता हुई कि उन्होंने कह दिया कि रास्ता नरक का है मांस मदिरा का सेवन करना, भगवान की भक्ति करो और शुद्ध सात्विक जीवन जियो, तभी कल्याण होगा। उन्होंने कह दिया तो मदिरा का रस जो होता है तो नरक में ले जाने वाला, हरि रस पान करो वैकुंठ जाओगे। और उन्होंने हरि रस का ही पान किया और अपने साथियों को पान कराया। हरि रस नाम के उनके प्रसिद्ध ग्रंथ को पढ़ करके मनुष्य भक्ति रस में डूब जाता है भक्तों। और उधर की बोली को डिंगल भाषा कहा जाता है, और राजस्थान गुजरात काठियावाड़ सौराष्ट्र में बहुत प्रचलित है वो। तो डिंगल भाषा में लिखे भक्तिपरक ग्रंथों का ये मुकुटमणि है, बहुत ग्रंथ हैं उस भाषा में, लेकिन हरिरस जो ईश्वरदास का ग्रंथ है वो उसका मुकुटमणि माना गया उस डिंगल भाषा में लिखे ग्रंथों का। और ईश्वरदास जी आप भक्तिपरक ग्रंथों की ही रचना करते थे, राजाओं के गुणगान को करना बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। गुरु कृपा होने के बाद तो बस भगवान की भक्ति रस में डूबे रहते थे, और हरि रस ग्रंथ महान जो रचना किया उससे जनता को बहुत लाभ मिला, भक्त जनता को बहुत लाभान्वित किया उन्होंने। वे अब दरबार में भी राजा की प्रशंसा के गीत न गाकर प्रभु का ही गुणगान करते, राजा के दरबार में भी। वे भगवत भक्ति संबंधी काव्य ग्रंथों के प्रणयन में ही अहर्निश लगे रहते। और भक्तों यथार्थ बात यही है कि साधक जब तक विषयों से चिपटा रहता है उसके भगवत भजन करने पर भी भगवत दर्शन नहीं होता। जब वो विषयों को यदि त्याग दे और केवल भगवान को पा लेने की कामना से भजन करे, तब निष्कपट हृदय से केवल उन्हीं की शरण ग्रहण करता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है भक्त, और उन्हीं का भरोसा रखता है भगवान का ही, और उनके लिए छटपटाने लगता है प्रभु के लिए जब वो, तब उन्हें पा लेने में देर नहीं लगती। ईश्वरदास ने अनुभव किया, भगवान स्वयं उनके पास भागे चले आते हैं महाराज, उसे हृदय से लगाकर सुखी करते हैं और अपने आप भी सुखी होते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि शिशु जब तक खिलौनों से खेलता रहता है माँ उसकी चिंता नहीं करती और कामों में लगी रहती है, पर जब खिलौने फेंक करके शिशु रो देता है और रो कर माँ को पुकारता है तब वो भागी चली आती और उसे हृदय से लगा करके स्तनपान कराती है, और स्तनपान करा करके वो शिशु को सुखी करती है, स्वयं भी सुखी होती है। ईश्वरदास जी अभी तक संसार के खिलौनों से खेलते रहे और राजसी वैभव मान सम्मान आज के मोह में पड़ करके प्रभु को भूले हुए थे, पर अब सब कुछ होते हुए भी उन्होंने मन से सब कुछ त्याग दिया और राजाओं का आश्रय राज वैभव मान सम्मान और विषय भोग आज सब से पीठ मोड़ करके वो प्रभु दर्शन की लालसा से केवल उन्हीं का चिंतन करते थे, उन्हीं का गुणगान करते थे, उन्हीं को रो रो करके दिन रात पुकारते थे, तब प्रभु उनसे दूर कैसे रह सकते थे। वो स्वयं बेचैन हो गए, कौन भगवान उनको दर्शन देने के लिए। भक्तों में बात जल्दी समझ में नहीं आती कि भगवान हमको दर्शन देने के लिए बेचैन कैसे हो जाएंगे, पर संतों का भक्तों का यही अनुभव है। भगवान खुद उनको ये ज्ञान कराते हैं
कि मैं तुमको दर्शन देने के लिए बेचैन था, लेकिन तुम हमको मौका नहीं दे रहे थे कि मैं तुमको दर्शन दूं। तुम दूसरी दूसरी तरफ देखते थे, मेरी तरफ केवल देखते ही नहीं थे। भगवान अपने भक्तों की बात बताते हैं और उनको दर्शन दे करके उनको सुखी किया। भगवान ने दर्शन दिया ईश्वरदास जी को और उन प्रभु का दर्शन करके उन्हें कंठ से लगा करके भगवान भी सुखी हुए और ईश्वरदास भी सुखी हुए। ईश्वरदास जी ने स्वयं इस बात को बाद में बताया लोगों को, अपने स्नेही लोगों को। पहले तो उसका गोपन किया, लेकिन जब प्रभु की आज्ञा मिल गई तो बता दिया। वो अपना जो व्यक्त करते हैं वो तो थोड़ा सा हिंदी से अलग है, शब्द उनके जो हैं वो समझ में आना मुश्किल है, लेकिन उसका हिंदी में आपको बता रहा हूं। हिंदी में आप ये समझिए कि ईश्वरदास जी कह रहे हैं कि हे राम, मैंने जिस रूप में आपका चिंतन मनन किया उसी रूप में हृदय मंदिर में आपके साक्षात दर्शन मिले। आपने दर्शन दिया, मेरे हृदय की गांठ खुल गई, मेरा भ्रम जाता रहा। हे हरे, अब मुझे ऐसे ही सदा अपने कंठ से लगाए रखना। भक्तों, ईश्वरदास सच्चे ईश्वरदास हो गए और इसी समय से सिद्धियां ईश्वरदास के चरणों में लौटने लगी। मैंने शुरू शुरू में आपको बतलाया था कि योग भ्रष्ट महापुरुष थे, गीता जी के छठे अध्याय में जैसे भगवान ने कहा है, सब कुछ इनकी साधना पिछले जन्म में हो गई थी, थोड़ा जो भटके थे वो इस जन्म में पूरा हो गया सब। और उन्होंने करुणावश कभी कभी उन सिद्धियों का प्रयोग भी किया जो उनके चरणों में लौटने लगी थी, लेकिन उनका प्रयोग अपने सुख के लिए कभी नहीं किया ईश्वरदास जी ने। लोगों का दुख दूर करने में उन सिद्धियों का प्रयोग किया जो उनके चरणों में पड़ी रहती थी और उनके चमत्कारों को देख करके उनका वो नाम जो मैंने आपको बताया था ईश्वरा परमेश्वरा, वो नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। एक बार अमरेली के ठाकुर बजाजी ने अपने पुत्र करण सरवैया के विवाह पर उन्हें निमंत्रण भेजा। वे जब अमरेली नगर में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग करण के मृत शरीर को ले जा रहे हैं और स्मशान की ओर, और बजाजी उनके साथ जा रहे हैं। अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु पर रोते पीटते जा रहे हैं वो, और भक्तराज ईश्वरदास को देख करके बजाजी उनके चरणों से लिपट करके बिलख बिलख कर रोने लगे। ईश्वरदास को दया आ गई, उन्होंने सांप के काटे करण के शव को अर्थी पर से उतरवा लिया और उसके पास बैठ करके ध्यानावस्थित हो भगवान से प्रार्थना की। दया आ गई मन में इनकी कि ये बिल्कुल युवक बालक है और मर गया है, बाप का हाल बहुत बुरा हो रहा है, मुझे बुलाया था और मैं आया तो मरा हुआ, इसको तो स्मशान ले जा रहे हैं लोग। और तब ईश्वरदास जी ध्यानावस्थित होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और भगवान ने महाराज इनकी प्रार्थना सुन ली और करण जीवित हो उठा और बाजे गाजे के साथ उसे घर ले जाया गया और हर्षोल्लास के साथ विवाह कार्य हुआ। बहुत सुंदर ढंग से विवाह कार्य संपन्न हुआ और बजाजी ने प्रसन्न होकर के अपना आधा राज्य ईश्वरदास को दे देना चाहा, पर ईश्वरदास जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। उनके बहुत मना करने पर भी बजाजी ने एक गांव की जागीर उनको दे ही दी जो उन्हें स्वीकार करनी पड़ी।
और उस गांव का नाम बदल करके बजाजी ने उसी समय ईश्वरदास जी के नाम पर ईसरा रख दिया और आजकल वह ईसरिया नाम से पुकारा जाता है। बरसड़ा ग्राम की जागीर बजाजी उन्हें पहले ही दे चुके थे और ये दोनों गांव ईश्वरदास जी के वंशजों के अधिकार में आज भी हैं। ईश्वरदास जी के जो वंशज लोग हुए उनके अधिकार में ही दोनों गांव ईसरिया और बरसड़ा दोनों उनके वंशजों के पास आज भी हैं। भक्तों, ईश्वरदास जी महान भक्त हुए, सिद्ध पुरुष हुए, उनके चरित्र अद्भुत हैं। उनके आगे के चरित्रों को मैं आपको फिर सुनाऊंगा। मैं अभी उनको यही प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।